आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, यानी वर्तमान में जो काम चल रहा है। मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, वह आपको मैंने पहले करवा दिया। ठीक, अब आप यहाँ पे ये एक नए स्ट्रक्चर के साथ आप देखिएगा कि इसका नया स्ट्रक्चर क्या है और यह कौन से टेंस में आता है। पहले इस चीज को समझने के लिए क्या देख रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ये रहा तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको रखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सीता नहीं पढ़ रही है, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तुम नहीं लिख रहे हो। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट इज आर या एम प्लस नॉट प्लस वी आई एन जी, यानी वर्ब में आई एन जी साथ में जोड़ देते हैं। तो इसको देखते हैं, ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के आधार पे हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर इसलिए होता है कि आप इससे हजार नए सेंटेंसेस बना सकते हैं, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर बेस्ड आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप बेसिक लेवल पहले सीख लें, उसके बाद फिर नए एडवांस लेवल के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आप सीख पाएंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर उड़ने से कोई मतलब नहीं है जब तक आप समझ नहीं पाएंगे। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और शुरू करते हैं नया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट या इज आर एम प्लस नॉट प्लस बी प्लस आई एन जी, ये आपका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, इसमें आपको पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है सीता, जो सेंटेंस में या वाक्य में जिसके द्वारा कुछ किया जा रहा है, कुछ क्रिया किया जा रहा है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे सीता द्वारा क्या हो रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है, यानी नहीं हटा दीजिए अभी, सीता द्वारा पढ़ने का काम वाली बात करते हैं। तो जिसके द्वारा काम हो रहा होता है या काम नहीं हो रहा होता उसको सब्जेक्ट बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए सीता, सीता पढ़ रही है, मान लीजिए नोट हटा दीजिए, सीता पढ़ रही थी, सीता सब्जेक्ट हो गया। अब इज आर एम लगा दीजिएगा, सीता के साथ इज लगेगा क्योंकि सीता सिंगुलर है, सीता ही सी इट और नेम के साथ हमेशा इज का होगा, और यू वी दे के साथ आर का यूज करते हैं, और आई के साथ एम का यूज करते हैं, और नॉट नहीं लगा हुआ है सेंटेंस में, नहीं है सेंटेंस इसलिए नॉट होगा, उसके बाद बी प्लस आई एन जी इसलिए होगा क्योंकि इसके अंत में रहा, रही, भले सेंटेंस, इसलिए बी प्लस आई एन जी। समझ गए होंगे, तो सब्जेक्ट आप समझ लीजिए सीता, तो यहाँ पे लिख दीजिए सीता स्ट्रक्चर के आधार पर। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है, इज आर एम, इसमें क्या होगा, इज होगा, क्यों होगा इज, क्योंकि सीता है, किसी भी नाम के साथ इज का हम यूज करते हैं, यह सिंगुलर के साथ होता है और सीता सिंगुलर है इसलिए इज, आर प्लुरल, यू वी दे के साथ यूज होता है वो प्लुरल है इसलिए आर का यूज करते हैं। सीता इज नॉट, जो स्ट्रक्चर के आधार पे है नॉट लगा दिए, भी प्लस आई एन जी, भी यानी वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ना, खेलना, लिखना, यानी जो क्रिया हो रही है उसको बोलते हैं वर्ब, जो क्रिया को ही हम वर्ब बोल रहे हैं, यानी पढ़ना, पढ़ना हो जाता है रीड, और इसी में हम लगा देते हैं आई एन जी, रीडिंग, यानी भर का चौथा रूप भी फोर, सीता इज नॉट रीडिंग। समझ गए होंगे, अब अपने से इस दो सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से मैं बताऊंगा। आई सब्जेक्ट हो गया, मैं आई, इज आर एम आई के साथ एम, बस सिंपल है। उसके बाद नॉट, नॉट लगा दिया मैंने, प्लस भी प्लस आई एन जी, प्लस भी प्लस आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, नॉट वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, प्ले, आई एन जी इसमें लगा दीजिए, प्लेइंग, तुम नहीं लिख रहे हो, इसको भी वीडियो रोक के और बनाने की कोशिश कीजिए। तुम का यू हो जाएगा, यू क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आर, बस
सिंपल सी बस स्ट्रक्चर, जैसे जैसे हम सिलसिलेवार ढंग से पीछे एक वीडियो बताएं, आप सारे वीडियो फॉलो कर लेंगे, आप एक भी मिस नहीं करेंगे, आपको चुटकी में ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आने लगेंगे और आप बना लीजिएगा। ठीक, यू आर नॉट, क्यों लगाए नॉट, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। भी प्लस ING, लिखना यहाँ पे क्या है, वर्ब है, लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट, ING लगाते हैं तो राइटिंग। ठीक, आप इस चीज को समझ पाए। थैंक यू। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे सारे पीछे की वीडियो को आप देख सकते हैं, और बहुत सारे ढेरों प्लेलिस्ट में जो वीडियो हैं उसे आप देखिए, समझिए, स्ट्रक्चर को आप समझने की कोशिश कीजिए, सेंटेंस को रटिए मत। बहुत सारे लोग पहले सेंटेंस को ही रटवाते हैं, अरे भैया स्ट्रक्चर को समझिए, स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा आप, इससे हजार नए सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं एक नया सेंटेंस लेता हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन सेंटेंस है मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसको कैसे बनाइएगा, मैं के लिए सब्जेक्ट मैं, तो मैं हो जाएगा आई, नहीं है नॉट प्लस आई, उसके बाद क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर में, इज आर एम, स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद नॉट, तो नॉट लगा देंगे, भी प्लस आएं जी, पढ़ा पढ़ाना, पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है, TSCH ING, बस इजी है। अब कोई भी नया हजार नए स्ट्रक्चर पे आधारित एक स्ट्रक्चर से हजार नए सेंटेंस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप ठीक से स्ट्रक्चर को समझ पाए हैं तो। मैं अभी तक बहुत सारे स्ट्रक्चर अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देखिए, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे क्लिक करके ऊपर में आई बटन होगा दाहिने तरफ ऊपर में होगा आपके, ठीक, आप उस चीज को आप देखिए, दाहिने तरफ ऊपर में आई बटन है वहां पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे देखिए किधर है स्ट्रक्चर बेस्ड जो है प्लेलिस्ट है उसमें आप देखिए, बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको दिया गया। थैंक यू।